Hey guys, welcome to a new vlog. आज के vlog में हम कुछ करने वाले हैं अनोखा. जनाब क्या प्लान है आज का? बिरयानी बनाना है यार, रेसिपी देख रहा हूँ. तो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं बिरयानी बनाने के लिए, बट इससे पहले कभी बिरयानी बनाए नहीं है. मिस्टर एडी का वो तो उसको ख्वाहिश थी कि हम बिरयानी बनाए, तो आज खुद से हम स्वयं इन्हीं हाथों से बिरयानी बनाने की चेष्टा करेंगे. तो क्या आप तैयार हैं? रेसिपी देखने के बाद मैं तैयार होंगे ना. शुरू कीजिए रेसिपी देखना. आखिरी चीज है ये, थोड़े से पानी में मैंने, ये तो आखिरी चीज पे आ गया. अबे केसर बोल रहा है, केसर लाना पड़ेगा भाई. सबसे महंगा तो यही, मटन से भी महंगा है केसर. भाई साहब केसर को कैंसिल करो. अब शुरू करेंगे हम बनाने का प्रोसेस, स्टार्ट करेंगे. तुम देखा क्या साथ में? चलो ये कौन पकड़ेगा भाई कैमरा? इसको यहीं रख दे रहा हूँ मैं. लाइट और पंखे को बंद कर दिया जाए. फोन यहीं रख दे. फोन ले लो, उसी में तो देख देख के सारे काम हम करेंगे. हमारे पास बर्तन है. कितना लेना है चावल? क्या बोलते हैं उसको, दो कटोरी चावल हमने भिगा दिया है. साथ में यहाँ पर गोश्त और ये है कुछ प्याजे. आगे का प्रोसेस बताया जाए हमें? अब आधे घंटे बाद बताएंगे. अरे भीगने दो, वो भीगेगा ना. तुम बाकी के प्रोसेस तो दिखाओ. आखिरी चीज है ये है. ये दो बार बोल. आपको चाहिए हल्दी पाउडर. हल्दी पाउडर, हल्दी इधर पड़ेली है. आ गई हल्दी. लाल मिर्च पाउडर. लाल मिर्च पाउडर. लाल मिर्च पाउडर फ्रिज में. लाल मिर्च कौन रखता है? ये फ्रिज चल थोड़ी ना रही है. यूनानी दवा खाना खोल भैया. जड़ी बूटी. लाल मिर्च कहाँ हो तुम? फ्रिज में कैंची और फ्रिज में बेलन भी है भाई साहब. लाल मिर्च तो मिल नहीं रहा, पसीना अलग से हो रहा है. ये है लाल मिर्च, ये तो काली है. आया भाई पक्का वही है. सल्लू भाई करोड़पति होने का फायदा क्या जब आप लाल मिर्च के पैकेट पे छपके आ रहे हो? धनिया पाउडर. यस है भाई, धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक. हाँ ये लग रहा है धनिया पाउडर. हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, बचा नमक. अब चार डब्बे हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं. बिरयानी बनाने के लिए खड़े मसालों के बिना तो काम ही नहीं हो सकता. अरे मार्केट में जाकर एक कॉम्बिनेशन पैकेट आता है छोटा सा, अब वो खरीद सकते. चलो मार्केट चलो. हम लोगों को एक दो घंटा मसाला खोजने में लग जाएगा. ये तो इसलिए तो मैं जल्दी बोला हूँ करने को. ये क्या है भाई, दालचीनी को खा रहे हो? भाई वो वीडियो कॉल है. कौन है? उसको बंद कर दो. सो गाइस मसाले हमने इकट्ठा कर लिए हैं. इधर है ये, आप खुद जान जाइए कौन सा नाम है. फ्रेश धनिया चाहिए? नहीं है धनिया. तो पुदीना भी तो नहीं है? नहीं है. प्याज को आपने बिरिस्ता बनाया? जाओ ऐसे पहले प्याज काटो. कितना प्याज लिया था? बनाने 5 प्याज निकाल ले. तुम क्या करो ना. करो ना. अरे यार मतलब उसका नाम. अब कटेगी प्याज. चॉपिंग प्लेट है तुम्हारे पास? चॉपिंग प्लेट है मेरे पास और मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरी उंगली ना चॉप हो जाए. कट रहे. कसम से एकदम कातिल लग रहे हो. हम वो कातिल है जो चाकू से प्याज काटे. उसके बाद आराम करना है. हमारे पास कुकर तैयार है. अब हम इसमें तलने वाले हैं प्याज को. कुकर को सूखने के लिए रख दिया है. कब से खतरनाक प्रोसेस की बारी अब आ चुकी है तेल में प्याज को डालने का. आग से मत खेलो. टमाटर काटना है तब तक मैं काट देता हूँ उसको. तुम स्टिर करो, कुर्बानी कर देता हूँ. इधर साइड में क्या है ये माल मलीदा पक रहा है, उबल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. और इधर सूप बनाने की तैयारी हो रही है. कितने देर तक इसको पकाने का है? जब तक ये पक के बोलने लगा भाई यार मत पकाओ. रेडी हो चुका है. काला काला भेड़ जल के राख हो गया है. हमारी हालत बाप रे बाप काफी गौतम गंभीर है. भीग चुके हैं पसीने से हम लोग, मगर जद्दोजहद जारी है दोस्तों. बिरयानी आज बन कर रहेगी. इसको टेस्ट करके बताओ. बावले आदमी तू, इसमें तो कुछ है ही नहीं. नमक कहाँ गया भाई? इतने मेहनत से था कुछ, हम लोगों ने इसमें माल मलीदा डाला. पकने के बाद सब गाया. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर महकने वाली चीज बढ़िया नहीं होती. तो इसको मिलाने दो मुझे. मिलादुन नबी. सो गाइस तैयार है अपना बिरयानी. खिचड़ी तैयार है. तहरी है. तहरी जल्दी से निकाला जाए. सारा मसाला तेज पत्ता अपने निकाल. अब हम इसे खा कर बताएंगे टेस्ट कैसा है. फिलहाल बंद करते हैं. फाइनली बिरयानी बन भी गई और बिगड़ भी गई. पेट में जा चुकी है. फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर. ए मेरी पुरानी गाड़ी. अरे वाह यार कोइंसिडेंस. गाइस मेरी पुरानी गाड़ी आपके सामने है और साड़ी नई गाड़ी भी आपके सामने है. और पुराने लोग तुम तो बहुत साल पुराने हो. चले हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए. तभी तो मैं कह रहा हूँ गियर क्यों नहीं छूट रहा है. मेरी गाड़ी का गियर ही उल्टा है. मेरी गाड़ी का गियर, मेरी गाड़ी सब उल्टी. ठीक है चलते हैं. शब्बा खैर. मजा आया.
गाइस, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे पूछा हुआ था कि आप लोगों ने किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ और कौन कौन से कोर्सेज के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ने जो कमेंट किया है, तो उससे मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने एमयू के लिए, जामिया के लिए और जेएनयू के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैंने भी बोला था कि मैं भी बता दूंगा मैंने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने दो ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, सबसे पहले तो एमयू में और दूसरा उस्मानी यूनिवर्सिटी, जिसको हैदराबाद यूनिवर्सिटी नाम से भी जाना जाता है। एमयू में मैंने चार कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और चौथा बीएड है। और उस्मानी यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई किया हुआ है। जो हो गया यहाँ पे मेरा काम खत्म, तैयारी जो कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखकर कर रहा हूँ, बाकी कोई बहुत अच्छी मेरी तैयारी नहीं और मुझे नहीं लग रहा है जिस हिसाब से मेरी तैयारी की एडमिशन होगा, बट अल्लाह वालम, अल्लाह नोज बेस्ट। मुझे वक्त ही नहीं मिलता तैयारी करने का, मैं बाहर काम करता हूँ, उसके बाद फिर घर पे आता हूँ, रात हो जाती, थका रहता हूँ, सो जाता हूँ। मैं एंट्रेंस की डेट्स आने से पहले ही सोच रहा हूँ अलीगढ़ निकल जाने के लिए, तो अभी डेट्स आई नहीं है। हाँ, सो एंट्रेंस की डेट्स के लिए जो मुझसे पूछते हैं, भाई मुझे नहीं पता अभी तक, एमयू वालों ने ही अनाउंस नहीं किया हुआ है, जब आ जाएगा तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। और एक और बात, मैं अब शायद बहुत देर में व्लॉग्स डालूंगा, क्योंकि अभी मुझे वक्त नहीं मिलता और घर के कितने व्लॉग्स मैं बनाऊँ, यहीं में आप भी बोर जाओ कि देख देख के क्या है, सिर्फ घर के घुमा घुमा के दिखाता है। तो मैं जब बाहर निकलूंगा इंशाल्लाह तब व्लॉग्स करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा, मगर टारगेट याद रखिएगा अगस्त के एंड होने से पहले 2500 सब्सक्राइबर्स का। अब तो व्लॉग्स नहीं आएंगे तब तो और मुश्किल होना, बट देखते हैं क्या होता है। वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मैं व्लॉग्स डालूंगा ऐसा नहीं है, बट थोड़े वक्त के बाद डालूंगा, क्योंकि मैं बार बार डाल के बोर नहीं करना चाहता। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ओह, हमारा बिरयानी कम खिचड़ी, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह।